सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू द ब्रांड न्यू गेमिंग न्यूज़ वीडियो। सो गाइज, आज हम लोग बात करेंगे आइसक्रीम के चैप्टर 2 की। तो गाइज, आप लोगों ने देखा होगा कि जो आइसक्रीम का चैप्टर 2 है उसमें एक सिमेट्री एरिया है, एंड उस सिमेट्री एरिया में काफ़ी सारे टोम्प बने हुए हैं, जिसमें से एक टोम्प जो गार्ड है उसके फैमिली मेम्बर का है, जिसके ऊपर हम देखते हैं कि एक कैट बैठी हुई है, एंड उसके लिए हम कैट फूड लेके आते हैं, वो तो आपको पता ही होगा। एंड इसी के साथ जो सबसे मेन टोम्ब वहाँ पे बना हुआ है, रॉड के फादर जोसेफ सोलेवन का, बट उनके अलावा भी वहाँ पे काफ़ी सारे टोम्ब बने हुए हैं, एंड वहाँ पे जो वॉल बनी हुई है उसमें काफ़ी सारे लोगों के नाम हैं, जो कि दिखने में काफ़ी ज़्यादा धुंधले हैं। क्या गाइस आप लोगों को लगता है कि ये जो सारे नाम हैं, क्या ये लोग आइस स्क्रीम से रिलेटेड है? मतलब इस गेम में रॉड के जो शिकार रहे हैं, जो लोग रॉड के शिकार बने, क्या ये वो लोग हैं, उनके नाम हैं, या फिर ये वो लोग हैं जिनको ईवलन ने कभी ना कभी मारा था? क्योंकि अगर आप लोग देखोगे ध्यान से तो इन सभी की जो डेट है ना, जो डेथ की डेट है, वो है 1945, 1943, 1954, मतलब वही उसी के आसपास की डेट है जब रॉड का फादर जोसेफ सोलेवन मरा था। क्या आपको लगता है कि इनका कोई ना कोई कनेक्शन है रॉड से, या फिर ईवलन, या फिर जोसेफ सोलेवन से, इन सारे नामों का? एंड सेकंड वाली जो न्यूज़ है वो थोड़ी फनी लग सकती है आप लोगों को। एक सिनेमा एरिया में आपने देखा होगा कि दो ट्रक खड़े हुए हैं, जो रेड कलर के बड़े बड़े ट्रक हैं। आप लोगों ने देखा होगा कि जो सिनेमा एरिया है आइसक्रीम के चैप्टर 2 में, उसमें दो बड़े बड़े रेड कलर के ट्रक खड़े हुए हैं। उन ट्रक पे लिख रहा है नन कोला, मतलब कोका कोला की जगह नन कोला। तो ये नन कोला क्या ऐसे ही फनी वे में लिखा हुआ है उन ट्रक में, इसका कोई मतलब नहीं है, या फिर इन ट्रक के अंदर नन के कुछ सीक्रेट्स छुपे हैं? हो सकता है ये कोई ट्रक ऐसे हो जिसमें नन अपने विक्टिम्स को इधर से उधर ट्रांसफर करती हो किडनैपिंग के टाइम पे। मे बी यही वो ट्रक हो जिनके अंदर ईवल नन अपने सारे जो बच्चे उसके स्कूल में कैद हैं उनको ले जाती हो कहीं और उनके साथ ट्रेवल करती हो। हो सकता है ईवलन के स्कूल में जो बच्चे हैं उनको कहीं इधर से उधर लाने ले जाने के लिए ईवलन इन्हीं रेड ट्रक का यूज़ करती हो, एंड ट्रक पे नन कोला इसलिए लिख रखा हो कि ये फनी लगे एंड किसी का शक ना जाए इस पे। मे भी आप लोगों को क्या लगता है इन दोनों चीज़ों पे, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। एंड तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।